अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी उस्ताद जी, ये जो वर्कशॉपें हैं बहुत ज़्यादा दोनों साइड में हैं, जब से मैं हूँ ये बंद ही हैं, ये भी हैं, ये कभी मैंने खुली नहीं देखी। तकरीबन मेरे को भी 10 दिन हो गए इधर। ये वैसा नहीं है, खोलते नहीं है दुकाना। अच्छा, ये बिजनेस कैसे करते हैं फिर? बिजनेस ऐसे करते हैं, अभी मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अच्छा जी, मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, हाँ। अभी मैंने अपॉइंटमेंट लिया इसके लिए। अच्छा ऑनलाइन? अपॉइंटमेंट, हाँ अपॉइंटमेंट उसने दिया हुआ है मुझे 2 बजे का। वो अच्छा, 2 बजे से 1 मिनट भी पहले नहीं आएगा। हाँ शायद हाँ मेरा गाड़ी जल जाए, शायद मेरा टायर फट जाए, कुछ भी हो जाए, अच्छा उसको अच्छा कुछ परवाह नहीं है। यानी कि वो दो बजे आएगा, दो बजे आएगा पंचर लगाएगा, आके ये शॉप ओपन करेगा, शॉप फिर बंद कर देगा और जाएगा, पंचर लगाएगा और चला जाएगा। आपका पंचर लगा के पेमेंट चला भी आपने ऑनलाइन करना है? ऑनलाइन हो गया है पेमेंट। हाँ, हो गया, ये टायर भी पड़ा है ना पुराना, ठीक है। ये आएगा पंचर लगा के, ये उस्ताद जी का गाड़ी है माशाल्लाह, देखो BMW। और नहीं नहीं खाली उस्ताद जी BMW दिखाएगा, ये उस्ताद जी का गाड़ी है इधर माशाल्लाह। उस्ताद जी ने इधर बहुत तरक्की की है, इधर आके बंदा आ जाएगा वो शॉप खोलेगा, अच्छा पंचर लगाएगा तो फिर हम लोग जा सकते हैं, वरना इंतजार ही करना पड़ेगा। ये तो उस्ताद जी, ये तो लंबे हो गए, ये उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अपॉइंटमेंट लेने का ईद के लिए बाल बनाए, हाँ नाई के लिए, नाई के लिए अभी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बाल कटिंग नहीं कर सकते ऐसे सीधा दुकान में जाएगा, कटिंग नहीं करते? कटिंग नहीं कर सकते, अभी छुपाया हुआ है टोपी में। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए थोड़ा अपॉइंटमेंट। चलो शेव तो आदमी मशीन मार लेते हैं, बाल कैसे कटिंग करेगा? नहीं चलो, ये यूरोप में भाई इधर हर चीज का अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। देखो ये देखो, हल्का हल्का बारिश भी लगा हुआ है, और ये लोग भाई साहब कोई भी काम इधर ना अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं है। पेंचर लगाना है तो भी अपॉइंटमेंट लो, फिर वो उसको पता चलेगा कि मेरा अपॉइंटमेंट है, उसी टाइम आके दुकान ओपन करके पेंचर लगाएगा और चला जाएगा। उस्ताद जी बोलते हैं नाई के पास जाना है बाल कटिंग के लिए तो भी अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ये पूरा काम इनका ना अपॉइंटमेंट में ही है। अभी हल्का हल्का बारिश भी लगा हुआ है, 3-4 दिन हो गए ना अला तूल बारिश लगा हुआ है। पर भाजी ये यूरोप है ना, उतो कहते ने भाई यूरोप ने ना मुश्किल नहीं, आ जाओ तुम भी, नज़ारे वैसे बड़े ने यूरोप के, इतने काम सारा कानून ना सिस्टम ना होंगे ना। गुड, देखो नाम इधर इंग्लिश भी बोलता है उस्ताद जी, लड़कियों को हेलो हाय भी करता है, बारिश लगा हुआ है। हाउ आर यू बॉस? देखो दो दो कुत्ती रखा हुआ है, हाँ 3-4 दिन हो गया उस्ताद जी, पूरा बारिश लगा हुआ है, बारिश लगा हुआ है, बहुत ठंडी। हाय वो देखो पाजी लोगों को, हाँ पाजी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ना अपने पाजी लोग ने ना अपने नाल कंपनी ने मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यूरोप है, यूरोप है उस्ताद जी। सुनाओ जी की हाल, ठीक हो जी? यार रोजे का खैर सामने से आ रहा है, थोड़ा पर्दा कर, हमने देख यार मनु मैसेज नहीं ने कीता सी, हां मैं बाहर विच भी गया। ए उस्ताद रीने ने अपने नाल ने कंपनी च, अच्छा ए शॉपिंग करना आए सी, ग्रासी करना कीती ओ ना, ओदन ठोके गल जी ना। यूरोप की एक बात है, बंदे बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? ये बात तो पूरा सुकून माहौल में रहते हैं, खुद भी दूसरों को भी नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, है ना कि नहीं? छेड़ते नहीं है किसी को हर कोई अपनी धुन में मगन है, अपने काम पे फोकस है हर आदमी का, और हर एक अपने प्रोफेशनलिज्म में अपने काम में इतना प्रोफेशनल है ना कि क्या बात है, सही नीयत से काम करते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग इधर आते हैं, क्योंकि ये तरक्की कर गए। और हमारे देखो तुम, अल्लाह अकबर, आधा इंच जगह हो ना तो उसके ऊपर भी कब्जा कर लेती है कि नहीं? कब्जा तो आदमी को मार देता है ना, एक 1,000 रुपए के लिए कदर कर देती है। कब्जा तो दूर की बात, ये देखो इन लोगों को देता है सीधा उसका। बहुत अच्छे लोग हैं यार।